हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा मोटो G34 5G फ़ोन है, तो मोटो G34 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में ऑप्शंस आता है कि आप कैसे अपने फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर कैसे अपने फ़ोन में ब्लूटूथ की प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं मोटो G34 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर, और ब्लूटूथ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे कर सकते हैं अपने मोटो फ़ोन में। तो आज हम बताने वाले हैं कि ब्लूटूथ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे कर सकते हैं मोटो फ़ोन में, तो बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाने ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आइकन्स हैं, शोर हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे, जिसमें से सेटिंग्स पे जाना है। और क्लिक करते ही फ़ोन की जो सेटिंग्स है आपके फ़ोन में ओपन हो जाएगी, जिसमें से आपके पास ऑप्शन आता है, आपके फ़ोन में सेटिंग्स का, जिसमें से रीसेट ऑप्शंस पे जाना है। फिर आपको इस पे जाना है और इस पे जाकर अपने फ़ोन में ब्लूटूथ की जो भी प्रॉब्लम्स है इसको सॉल्व कर सकते हैं, और ब्लूटूथ प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर सकते हैं अपने फ़ोन में। आप देख सकते हैं कि ब्लूटूथ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। सिंपली इस पे जाते हैं और ब्लूटूथ ऑल नेटवर्क सेटिंग्स को आप कुछ इस पे क्लिक करके रीसेट कर सकते हैं, और रीसेट करके ब्लूटूथ की जो भी प्रॉब्लम्स होगी आपके फ़ोन में सॉल्व कर सकते हैं, और ब्लूटूथ प्रॉब्लम को ठीक भी कर सकते हैं अपने फ़ोन में। तो इस तरीके से ब्लूटूथ की प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर सकते हैं फ़ोन में और ठीक भी कर सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएं।